हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आए हैं केक बनाने। तो मेरे बेटे का बहुत मन हो रहा था कि मम्मी केक बनाइए, आज नया साल है। तो ये नए साल का दिन का ही है, शाम के टाइम का। तो यहाँ पे देखिए, हम आधी कटोरी चीनी डाले हैं और आधी कटोरी दूध, और ये है आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल, और ये 3-4 चम्मच दही होगा मेरे पास। तो दही डाले हैं और ये चारों को मिक्सी में पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिए हैं। तो और देखिए, ये पीसने के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। जैसे चीनी इसमें पीस के भी डाला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अपना एक ही बार में सब पीस जाता है, चीनी को अलग से पीसने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कटोरी मेरे पास मैदा है, और ये 1 छोटा चम्मच लिए हैं हम बेकिंग पाउडर, और आधी छोटी चम्मच लेंगे हम बेकिंग सोडा, ये खाने वाले जो सोडा होती है वही। अब ये सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा दूध का हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो हम देखिए, आधे कटोरी दूध इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें और लगा हुआ था। तो इसमें से अब निकाल लिए हैं कटोरी में। अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको मिक्स करेंगे, और इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें वनीला एसेंस। तो 6-7 बूंदे इसमें वनीला एसेंस का डाल देंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास कोको पाउडर हो तो कोको पाउडर डाल सकते हैं। कोको पाउडर नहीं हो, अगर चॉकलेट केक बनाना हो तो आप डेरी मिल्क जो आता है उसको भी दूध में पिघला के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा केक बनता है। मेरे चैनल पे पहले से वो वाली वीडियो है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो इसको देखिए, देने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब ये हो गया है, तो ये थोड़ा सा हमें पतला लग रहा था, तो थोड़ा सा हम 1-2 चम्मच मैदा और डाल दिए थे। तो अब ये हो चुका है, तो इसको साइड कर देते हैं। और अब हम काट लेते हैं एक पेपर। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो ये जो बच्चे का लिखने वाला कॉपी का होता है ना पेज, तो वही पेज है। इसी को हम इसके नाप से काट लेते हैं। थोड़ा सा बस बड़ा काटेंगे चारों तरफ से, बस बिल्कुल थोड़ा सा। तो चलिए, इसको काट लेते हैं और फिर हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, इसके नाप का काट लिए हैं, तो इसको चारों तरफ से मतलब लगा दिए हैं। और अब इसके ऊपर जो है रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे, तो इससे भी मतलब ये भी बटर पेपर का ही काम करता है, ये भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, बहुत अच्छा रहता है ये भी। आप अगर आपके पास भी बटर पेपर नहीं हो तो आप भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से चारों तरफ से लगा दिए हैं, और मेरा जो ओवन है वो भी प्री हीट हो गया है। तो अब हम इसमें जो ये बैटर बना के रखे हैं, तो इसको डाल देंगे। इसको मिक्स करके सारे डाल दीजिए, और इसको टैप टैप कर दीजिए, जिसमें जो भी एयर बबल हो इसमें तो वो निकल जाए। इस तरीके से टैप टैप जरूर कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए, हम टैप टैप कर दिए हैं। अब इसको हम रख देते हैं ओवन में, और इसको 25 मिनट के लिए हम रखे हैं। तो बाद में मुझे 5 मिनट और रखना पड़ा था, क्योंकि 25 मिनट में नहीं हुआ था, तो 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन ये मतलब 25 से 30 मिनट में ये बन जाता है, ओवन में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, बन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बन के तैयार हो गया है, तो इसको हम निकाल लिए हैं। तो ये थोड़ा ऊपर से हल्का सा ये ज़्यादा लाल हो गया है, क्योंकि ये 2-3 मिनट में हो जाता, तो हम 5 मिनट के लिए रख दिए थे। लेकिन केक बहुत अच्छा सॉफ्ट बना है, बहुत टेस्टी भी बना है। तो चलिए, कट करके हम आप लोग को दिखा देते हैं। और ये देखिए, कितना अच्छे से ये निकल जाता है, और बहुत अच्छा ये बना भी है, बस ऊपर से हल्का सा लाल हुआ है। देखिए कितना स्पंजी बना है। तो अब हम इसको कट करके भी आप लोग को दिखा देते हैं, और ये फूला भी है बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी घर पे आसानी से केक बना सकते हैं, जब भी आपका और आपके बच्चों का मन हो बनाने का या खाने का, तो आप अच्छे से बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कितना स्पंजी बना है, और ये अच्छे से बेक भी हुआ है। तो आप लोग भी खा लीजिए नए साल का,
और अब हम लोग भी जा रहे हैं खाने, बच्चे सब पहले से इंतज़ार कर रहे हैं केक के लिए, तो वो सबको भी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भटूरे का आटा था वो थोड़ा सा बच गया था, तो अभी खाने का टाइम है, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो ये रात में दिन से भी ज़्यादा अच्छा बना था, तो देखिए कितना अच्छा भटूरा मेरा बन के तैयार हुआ है और कितना बड़ा बनाए हैं हम, बहुत अच्छे से ये फूला भी है और बहुत ज़्यादा दिन में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था बहुत अच्छा से। तो हम सोचे आप लोग को भी छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं। तो ये अच्छे से फूलता है तो और अच्छा बनता है, दिन में तो थोड़ा जल्दबाजी हो गया था और ठंडा मौसम है इसलिए। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा भटूरा बन के तैयार हुआ है। तब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, फिर मिलते हैं आप लोग से। और ये देखिए अगले सुबह की वीडियो है, हम छत पर से सब्जी लाए हैं। तो ये लौकी है मेरा और ये मूली। तो लौकी इसलिए हम छोटा ही तोड़ लिए क्योंकि इसमें मुझे लगा कीड़े मतलब डंक मार दिए हैं तो सड़ जाएगा, इसलिए हम छोटा ही तोड़ के ले आए और ठंडा में ये बड़ा भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा मूली और ये जो लौकी दो था तो वो तोड़ के लाए हैं। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जरा सा भी धूप नहीं निकली है और अभी कितना समय हो रहा है, 1:30 बज रहा है अभी और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तेज हवा चल रही है। तो बच्चा सबका जो स्कूल था, अब स्कूल का भी जो खुलने वाला था स्कूल, तो स्कूल का भी डेट भी बढ़ गया है, अब 10 तारीख से बोल रहे हैं कि 10 से खुलेगा दोनों बच्चों का। तो चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि ठंडा में मतलब बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो मन में यही हो रहा था कि कैसे स्कूल भेजे बच्चे को। तो चलिए ये सबका डेट बढ़ गया है और इसके पापा का तो ऑफिस है ही, तो उनको तो ऑफिस जाना ही है, उनका ऑफिस का काम है। लेकिन सच में ऐसा ठंडा में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन करता है कि रजाई में बैठे रहो। देखिए अभी हम रजाई ओढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी खाना नहीं खाए हैं, तो अब खाना खाएंगे कुछ देर में। और सोचे कि आप लोग से कुछ बातें करते हैं और वीडियो का भी एंड करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का उधर का मौसम अभी इस टाइम कैसा है। तो हम लोग के बिहार में शीतलहर तो हर मतलब हर साल इस टाइम में आता ही है, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक लगभग में शीतलहर ही चलता है। तो यहाँ पर भी वही है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है और बोलते हैं कि गेहूं की फसल के लिए ठंडा मौसम बहुत अच्छा होता है, शीतलहर इसी में गेहूं का जो फसल है तो वो बहुत अच्छे से होता है, गेहूं ठंडा में ही होता है, ज़्यादा गर्मी गेहूं को पसंद नहीं है, तो इसलिए शीतलहर भी आना जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है जिसके घरों में छोटे बच्चे होंगे ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि उनके बच्चों का कपड़ा नहीं सूखता होगा, बिल्कुल बिहार में धूप नहीं निकलती है। जब देहरादून में रहते थे ना तो वहाँ पर डेली धूप निकलता था, ठंड भी बहुत रहती थी लेकिन तब भी तेज़ धूप निकलता था। और बिहार में क्या प्रॉब्लम है कि बिहार में धूप ही नहीं निकलती है, 6-7 दिन 8 दिन तक तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है, जरा जरा सा धूप निकले तो लोग को राहत आए लेकिन धूप नहीं निकलती है यहाँ पे। तो चलिए सारा मौसम कट जाता है और सारे मौसम का भी जरूरत भी है, जैसे बारिश का भी जरूरत है, गर्मी का भी जरूरत है, तो वैसे ही ठंड का भी जरूरत है। तो चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज का वीडियो का एंड हम यहीं पे करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे लिए, इसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी का, और ऐसे ही सपोर्ट मेरे ऊपर और मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठंड में आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और कोरोना भी फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है तो सेफ्टी के साथ घर से बाहर तो निकलना जरूरी है, घर में रह के कोई काम होने वाला नहीं है, लेकिन निकलिए लेकिन सेफ्टी के साथ निकलिए, बाय बाय।